हेलो दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, आरपीएफ एसआई का जो अभी एग्ज़ाम शुरू है और कुछ जो ग्रुप है उनका ख़त्म हुआ है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो देखिए, आंसर की जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस बार जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो अपना काम बखूबी निभा रहा है और इस बार बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। देखिए, अभी अभी एग्ज़ाम हुआ और आरपीएफ एसआई का जो आंसर की है वो उन्होंने रिलीज भी कर दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आ जाने के बाद देखिए, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको आरपीएफ लिख के वहाँ पे आपको सर्च करना है, आरपीएफ ऑनलाइन ऐसा यहाँ पे टाइप करना है। फिर उसके बाद आपको इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए, आपके सामने जो रेलवे की ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी, जो आरपीएफ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है SI आरपीएफ ऑनलाइन org.,, यहाँ पे कॉल इट ऐसे लिखा हुआ है। देखिए, ये आपको साइट ओपन करनी है। ये ओपन करने के बाद देखिए, ये आरपीएफ की ऑफिशियल साइट है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी अपनी आंसर की डाउनलोड कर सके। देखिए, यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आरपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट, जो आपका सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट है। देखिए यहाँ पे, और इनके लिए एक नोटिस भी दिया है, जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है, 9 जून को, 9 जनवरी को जिनका एग्ज़ाम था उनका पोस्टपोन्ड हुआ है, यहाँ पे इन्होंने नोटिस भी दिया है। और देखिए, नोटिस के पीछे यहाँ पे आपको व्यू आंसर शीट ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, आपके सामने यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द ग्रुप टू व्यू आंसर शीट, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। मतलब ये पेज का हेडिंग है जो कि आंसर शीट आ गई है। तो देखिए, यहाँ पे अभी ग्रुप ई का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उनकी जो है वो आंसर की जारी कर दी गई है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, आपके सामने यहाँ पे बॉक्स दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद देखिए, उसके नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे होगा ही, वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ वो डेट यहाँ पे आपको भरनी है। वो भरने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको नीचे सिलेक्ट बैच का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब आपका फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, वो शिफ्ट आपको यहाँ पे देनी है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे भर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे जब क्लिक करेंगे, तब आपके सामने आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी, और उसी की साइड में यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, और आपने वहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपने रॉन्ग किए और कितने आपके सही है, ये आपको उस आंसर शीट में दिखाई देगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।